Today we are going to study the skill development section on your paper, question number 7. उसको हम लाइव इंग्लिश भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. इन द एक्टिविटी शीट विल द आईसीटी रिलेटेड जो रहेगा मार्किंग स्कीम, इसमें एक मार्क फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन को, एप्रोप्रिएट लेआउट को 1 मार्क, कवरिंग ऑल पॉइंट 2 मार्क और एक्यूरेसी में 1 मार्क. उसके बाद में जैसे फॉर्मेट आपको दिया है, फॉर्मेट जैसे एक कॉलेज का एडमिशन का है 11th का, जो आपको काम आएगा. अगर पेपर में नहीं भी आया तो यू हैव टू राइट, जैसे इसमें पूछा है सर नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, तो कैपिटल में आपको लिखना है फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस जहाँ रहते हो वो कॉरेस्पॉन्डेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल, मार्क्स इन SSC एग्जामिनेशन, परसेंटेज, प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, इस तरीके का फॉर्म रहता है एडमिशन फॉर्म. तो ये हमने भरा हुआ है एक ऐसा जिसमें नेम दिया है सावंत स्नेहल, उसके बाद में सौरभ, मदर्स नेम भी है सावंत, सुमित्रा, सौरभ, जैसे लिखते हैं सर नेम, फिर आपका नाम, पिताजी का नाम, सेकंड इसमें फादर नेम, फिर उनके फादर का नाम, सर नेम पहले आ रहा, तो एड्रेस में, जेंडर में लड़की है वो स्नेहल तो फीमेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आ गया वहाँ, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, एड्रेस अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल नहीं है तो नहीं है, मार्क्स इन SSC एग्जामिनेशन, मार्क्स नहीं पता है, परसेंटेज जो है वो 82, कहाँ प्लेस, डेट कब आपका प्रेजेंट डेट आएगा, सिग्नेचर स्टूडेंट, तो आपको वहाँ सिर्फ नाम लिख देना है. दूसरा है लाइव इंग्लिश में प्रिपेयर है टूरिस्ट लीफलेट टू ताडोबा नेशनल पार्क का है, तो वहाँ दिया रहेगा लोकेशन, लैंग्वेज, बेस्ट सीजन टू विजिट, वेयर टू स्टे, गो, हाउ टू गेट देयर, अट्रैक्शन और साइट नियर बाय. तो हमने ताडोबा नेशनल पार्क लोकेशन कहाँ है, लोकेट ऑन द आउट स्कीट्स ऑफ चंद्रपुर के आजू बाजू में. उसके बाद में लैंग्वेज में कौन सी बन जाती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. कौन से सीजन में जा सकते हैं, 15 अक्टूबर से 15 जून, हॉट समर बहुत अच्छा समय रहता है, आइडियल समय रहता है वहाँ. कहाँ रुकेंगे, MTDC के जंगल रिसोर्ट में, वेरी कंफर्टेबल है. हाउ टू गेट देयर, बाय एयर से, मतलब अब हम नागपुर वाले तो बाय कार, बस से भी जा सकते हैं. अट्रैक्शन क्या क्या है वहाँ, टाइगर देख सकते हैं, पैंथर है, बायसोन है, हाइना, जैकल, लीपर्ड, बार्किंग डियर, साइट नियर बाय, भद्रवती, मरकरदा, तो ऐसे इस तरह के उसका हो गया. तो वैसे ही होमवर्क में आपको दिया जा रहा है, प्रिपेयर अ शॉर्ट टूरिस्ट लीफलेट, अ प्लेस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जो है हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हिस्टोरिकल जैसे फोर्ट वगैरह हो गया तो वो लिखना है, जो भी आपको बस आसपास में ध्यान में है वो लिखने का है. दूसरा एडमिशन फॉर्म जो आपके बुक में से भी है, बुक में भी जहाँ जहाँ लाइव इंग्लिश है उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है. थैंक यू.